दोस्तों, अगर पेशाब में अगर झाग आ रहा है, या आपको लग रहा है पेशाब में जलन है, या आपको लग रहा है बार बार स्टोन बन रहा है, या आपको ये लग रहा है कि बार बार ऐसा होता है कि बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, तो इसको नजरअंदाज ना करेंगे। मैं आज आपको डॉक्टर शिवान से बताऊंगा कि क्यों इसको नजरअंदाज ना करें। मैं पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, आपको दिक्कत क्या थी? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी, दोनों सुकड़ गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर। कितने साल हो गए आपको इलाज इस दिक्कत को? इसको एक साल हो गया, एक साल से पता चला है मुझे। वेट लॉस भी हो रहा था आपका? हाँ जी। कितना वेट कम हुआ? वेट तो मेरा ना ऐसे स्वेलिंग की वजह से था थोड़ा, लेकिन वैसे मेरा वेट काफी कम हो गया था। कितना कम था, कम हुआ? मेरे ख्याल से 10 किलो। 10 किलो? हाँ जी। लेकिन अब स्वेलिंग हुई ना, तो इस वजह से फिर बढ़ा है। फिर बढ़ गया? हाँ जी। तो स्वेलिंग अब कम हो रही है पहले से। यहाँ कितना टाइम हुआ आपको? यहाँ तो 5 दिन हो गए। क्या बदलाव आया जीवन में? नहीं, पहले से बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। सिर्फ 5-6 दिनों में? हाँ जी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी उम्मीद हो गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ। अच्छा, उम्मीद हुई है? हाँ जी। देखो डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात है कि ये मुस्कुरा रहे हैं और इनको उम्मीद हुई है कि ये ठीक हो सकते हैं। क्या इनको दिक्कत थी और क्या एकदम चेंजेस आए हैं? देखो, ये हमारे पास पेशेंट जो आए हैं, एक्चुअली 5 साल से इनको हाइपरटेंसिव थे ये, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके पहले कुछ इश्यूज थे, कार्डियोमेगैली बताया था डॉक्टर्स ने, हार्ट का इलाज चल रहा था, हार्ट बढ़ गया था ऐसा इनको बताया था, कार्डियोमेगैली बोलते हैं उसको। उसके वजह से कुछ हाइपरटेंशन के इश्यूज थे, मतलब इनको बीपी बढ़ा हुआ रहता था, पेशाब में झाग वगैरह आता था। ये भी प्रोटीन यूरिया का केस है एक, जो इनको नहीं पता चला, साइलेंटली धीरे धीरे करके ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा था क्रिएटिनिन यूरिया। और अभी एक साल पहले अचानक से इनको पता चला, जब सिम्टम ज्यादा आ गए, सांस फूलने लगी, थकान आ गई, वेट कम हो गया, तभी डॉक्टर्स के पास गए होंगे, इनको पता चला किडनी फेलियर है। तो डॉक्टर्स ने तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, ऑब्वियसली डायलिसिस के लिए बोल दिया, क्योंकि 4% किडनी काम कर रही है, तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो करना। अब हमारे पास ही आए हैं, हमें देखो होप, इन्होंने कहा होप है, हुई है, ऑब्वियसली होप होने के लिए कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। हमने जादू नहीं किया, सिर्फ खाने पीने में परिवर्तन किए, थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस किए, और जो भी पंचकर्मा की थेरेपीज हैं, बॉडी को डिटॉक्स। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पेशेंट 5 साल से इलाज करा रहा होता है और सुधार नहीं आता, 5 दिन में ऐसा क्या होता है? मतलब 5 दिन वाला फॉर्मूला बताओ मुझे एक बार, क्या है? 5 दिन के फॉर्मूले क्या, 3 दिन के फॉर्मूले भी होते हैं हमारे पास। पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, हम जस्ट उसका लाइफ स्टाइल चेंज, जो अभी तक नहीं हो रहा होता, सिर्फ दवाइयों के भरोसे हम उसको ठीक करना चाह रहे होते हैं, उससे हट के उसके दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, वो ठीक हो सकता है, उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, क्योंकि अभी तक उसको सिर्फ ये है कि वो मर जाएगा, उसकी किडनी फेल है। तो जब दिमाग से ये निकल जाएगा, साइकोलॉजिकली भी वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने लगता है। और दूसरा, उसका खान पान, जो कि बहुत बड़े इश्यूज है, कहते हैं कि दवाई दवाई हो सकती है, खाना नहीं हो सकती। और जिस दिन खाने को आप दवाई बना लोगे, उस दिन स्वस्थ होना उसी दिन शुरू हो जाओगे आप। बहुत बढ़िया। तो हमने जो बात पेशेंट्सों को सिखाई है, डेली उनको सिखाते हैं, वो यही है कि फूड एज ए मेडिसिन करने के लिए सिखाते हैं उनको हम। और जो उनकी थेरेपीज वगैरह, पंचकर्म, जो कि हमारी मतलब डिटॉक्स, बॉडी को क्लीन करने के लिए सारी उपाय जो करते हैं और पेशेंट को सिखा के घर भेजते हैं, वही चीजें करते हैं जनरल हम। और उससे रिलीफ भी काफी अच्छा पेशेंट्स में आया है, वो आपके सामने ही पेशेंट हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको आराम है जी? हाँ जी, मुझे बहुत आराम है, बहुत खुश है। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं? हाँ जी। देखो, इमोशनल भी हो जाता है डॉक्टर साहब, पेशेंट इमोशनल होना लाजमी भी है, बहुत साल बाद उम्मीद जागी होगी कि आप ठीक। मेरे 2 बेटे हैं, और मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं उनकी शादी भी देख पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अब लगता है कि नहीं ठीक होगी। उनके बेटों की भी शादी देखोगी? ये इनका बेटा भी इनके साथ है, बहुत अच्छी बात है। इधर आओ बेटा, कितनी एज है आपकी? 18। मम्मी का ध्यान रखते हो? ध्यान रखता है मैम आपका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान रखता है। अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आया हुआ है, और छोटे वाला 10th के एग्जाम दे रहा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गए मैम। डॉक्टर साहब, एक इमोशन जुड़े होते हैं डॉक्टर के, पेशेंट के डॉक्टर से एक इमोशन जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि मॉडर्न पैथी की वजह से वो डिफरेंस जो डॉक्टर और पेशेंट में है वो क्रिएट हुआ है? देखो, डॉक्टर को कोई भी पेशेंट से आप मिलोगे, वो कहता है भगवान हो या भगवान का दूसरा रूप हो, भगवान के लिए सारे, जैसे कहते हैं ना गॉड क्रिएटर है, उसके लिए सारे जो भी प्रजा है या जो भी पब्लिक है, जो भी है, सारे बराबर है। तो डॉक्टर के लिए भी मैं ये जरूर आपके थ्रू भी कहना चाहूंगा, डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट बराबर होने चाहिए, कभी भी पेशेंट्स को मोरल उनका डाउन नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट आपके पास आया है तो ऑब्वियसली उसको आप बूस्टअप, मोरल बूस्ट करके चलो। देखो, जिंदगी मौत भगवान के हाथ में होती है। कई बार मैंने डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि पेशेंट को डॉक्टर 1 मिनट भी अच्छे से नहीं देता, वो इतनी दूर से आता है और इतनी उम्मीद लेके आता है, जबकि
80% उसकी, मैं एक बात जरूर मानता हूं कि कोई भी पेशेंट है उसकी 80% बीमारी सिर्फ साइकोलॉजिकल तभी दूर हो जाती है जब उसके साथ डॉक्टर हंस के बात कर लेता है, उसकी बात को पूरी अच्छे तरीके से सुन लेता है, उसकी काउंसलिंग कर देता है। मैं सभी डॉक्टर से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ज्यादा ओपीडी देखने के चक्कर में, ज्यादा पेशेंट्स देखने के चक्कर में, ज्यादा कलम चलाने के चक्कर में ये मत कीजिए। अन्याय होता है जब कोई इतनी दूर से आपके पास एक उम्मीद लेके आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब आप भी मानते होंगे इस बात को, तो देखो हमारी भी प्रायोरिटी यही होती है कि हमारे एक पेशेंट हो या 100 पेशेंट हो, उसके लिए कभी भी ये नहीं होता कि एक पेशेंट का टाइम हमने कम कर दिया है। हमारे सभी पेशेंट्स को, जो भी हमारे डॉक्टर हैं, जो भी स्टाफ हैं, उस सबको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, पूरा टाइम दिया जाता है। और इससे हमने देखा है प्रैक्टिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के ठीक होने पर। अगर किसी पेशेंट को पूरी केयर कर रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है उसकी हेल्थ में। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए मैडम की जो उम्मीद वापस आई है, इस तरह लाखों लोगों की उम्मीद बन सकती है ताकि वो सफल उपचार करवा पाए। आप किस नंबर पर स्क्रीन चल रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।